how exchange rates are determined a supply and demand analysis so aaj hum dekhenge ki what causes these changes in the exchange rates to analyze this we will use supply and demand analysis and we will assume that prices are fixed और जब हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि prices fixed हैं तो इसका मतलब ये है के चेंज इन द रियल एक्सचेंज रेट आर मैच बाय द चेंजेस इन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट प्राइस जब फिक्स हैं तो नॉमिनल में जो चेंज आएगी वही चेंज रियल एक्सचेंज रेट में आएगी सो द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज डिटर्मन इन द फॉरन एक्सचेंज मार्केट बाय सप्लाई एंड डिमांड फॉर द करेंसी जिस तरह आप किसी भी शेयर की जो प्राइस है वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई से डिटर्मन होती है इकोनॉमिक्स का जो बेसिक रूल है बिल्कुल इसी तरह एक्सचेंज रेट नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है ये भी हमारी करेंसी की प्राइस है तो इट विल आल्सो बी डिटर्मन बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई आर प्लॉटेड अंगेस्ट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट जस्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई फॉर एनी गुड जिस तरह हम सिंपल जो माइक्रो इकनॉमिक्स में आप डिमांड कर्व या सप्लाई कर बनाते हैं तो वर्टिकल एक्सेस पर उस कमोडिटी की प्राइस लेते हैं तो यहाँ हम वर्टिकल एक्सेस पर नॉमिनल एक्सचेंज रेट लेंगे बिकॉज दिस इज द प्राइस ऑफ आवर करेंसी सो वैसी जैसी हमारी ग्राफ होते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड आपके पास डिमांड कर्व है पॉजिटिवली स्लोपड आपके पास सप्लाई कर्व है और उसकी इंटरसेक्शन जो है वो आपका एक्सचेंज रेट डिटरमिन कर रहा है ठीक है अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं कि व्हाई दिस व्हाट इज मैंट बाय दिस नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व एक्चुअली डिमांड है क्या इसको अभी हम समझते हैं सो वट आर दिस चेंजेज इन द एक्सचेंज रेट सप्लाइंग रुपीज मीन्स ऑफरिंग रुपी इन एक्सचेंज फॉर फॉरन करेंसी ठीक है ये जो सप्लाई कर था हमारी करेंसी का तो इसका मतलब क्या है कि हम फॉरन एक्सचेंज मार्केट में हम अपने रुपी जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ फॉरन करेंसी

वॉन्टिंग टू बाई रुपीज़ इन एक्सचेंज फॉर फॉरन करेंसी के डिमेंड का मतलब क्या है कि बाय हमारी पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड क्या है कि पाकिस्तानी करेंसी को बाय करना चाहते हैं फॉरन एक्सचेंज मार्केट में ज़ाहिर इसके बदले में वो क्या देंगे वो फॉरन करेंसी देंगे सो द डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज इफ पीपल नीड टू गिव अप ग्रेटर अमाउंट ऑफ फॉरन करेंसी टू ऑप्टेन वन रुपी दे विल डिमैंड प्योर रुपीज़ वो सिंपल जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है सो so, अब हम ये समझते हैं कि हमारी करेंसी की जो डिमांड और सप्लाई है इससे मुराद क्या ये क्यों सो वाई डू पीपल डिमांड और सप्लाई रुपीज़ पीपल नीड रुपीज़ फॉर टू रीज़न्स जो फॉरन एक्सचेंज मार्किट है उसमें हमारी करेंसी जो है उसकी उसकी डिमांड कौन करेगा क्यों करेगा किस मकसद के लिए करेगा टू बी एबल टू बाई पाकिस्तानी गुड्स एंड सर्विस के फ़ारेन एक्सचेंज मार्केट में हमारे करेंसी की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी जितनी हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होगी जो भी फॉरेनर हमारे मुल्क की चीज़ें ख़रीदना चाहता है तो उसके लिए हमें पाकिस्तान उससे पाकिस्तानी करेंसी की ज़रूरत है तो इसका मतलब ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी करेंसी की डिमेंड डिटरमिन करती हूँ टू बी एबल टू बाई पाकिस्तानी रियल एंड फाइनेंशियल एसेट्स तो एक तो एक्सपोर्ट्स हैं दूसरे फाइनेंशियल और रियल एसेट्स अगर दूसरे मुल्कों के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो फिर पाकिस्तानी करेंसी ख़रीदेंगे तो दिस इज़ पाकिस्तान फाइनेंशियल इनफ्लो के फॉरेन करेंसी हमारे मुल्क में आ रहा है सो दीज ट्रांजेक्शन आर टू मेन कैटेगरीज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जब हमने पढ़ा था तो पहली ये जो कैटेगरी है ये एक्चुअली आपका करंट अकाउंट है और दूसरी जो कैटेगरी है दिस इज़ योर फाइनेंशियल अकाउंट पीपल वांट टू सेल रुपीस फॉर टू रीजंस यानी सप्लाई कैसे डिटरमिन होती है टू बी एबल टू बाय फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज के हम जो दूसरे मुल्कों की चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे हम पाकिस्तानी करेंसी लेकर जाएंगे फॉरन एक्सचेंज मार्केट में ये हम सप्लाई करेंगे और उसके बदले में हम फॉरन करेंसी को बाय करना चाहेंगे पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स जो हैं दिस विल डिटरमिन द सप्लाई टू बी एबल टू बाई फॉरन रियल एंड फाइनेशियल बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने डिमांड के हवाले से दो चीज़ें देखी थी कि यह पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स ख़रीदना चाहते हैं या पाकिस्तान के फाइनेंशियल या रियल एसेट्स को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से ये दो फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तानी करेंसी की सप्लाई डिटर्मन कर रहे हैं सो फैक्टर्स डेट इंक्रीज डिमांड फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स एंड एसेट्स विल इंक्रीज डिमांड फॉर रूपीस ओके शिफ्टिंग द डिमेंड कर टू द रट एंड इंक्रीजिंग द नॉमिनल एक्सचेंज रेट फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी गुड्स रेलेटि फॉरन गुड्स विल लीड टू एन अप्रिसिएशन ऑफ द रुपी ओके सो वो तमाम फैक्टर जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स की डिमांड को इनक्रीज करेंगे ठीक है ये एसेट्स की डिमांड को इनक्रीज़ करेंगे उसके नतीजे में क्या होगा पाकिस्तान की करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी और किसी भी शेयर की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब यह है कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो अप्रीशिएट कर जाएगा उसमें इजाफा हो जाएगा सो so, ये हम एक ले रहे हैं इसमें पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स की डिमांड अगर बढ़ गई है किसी भी कोई भी रीज़न इसकी हो सकती है फॉर एग्जांपल एट सोप कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होगा ये डिमांड करो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ठीक है बिफोर दैट चेंज दिस द दिपिंग पॉइंट एंड दिस वार द नामल एक्सचेंज रेट ओके सो जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की क्वालिटी में इजाफा होने की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की डिमांड में इजाफ़ा हो जाए तो उसके नतीजे में हमारी करेंसी की डिमांड में इजाफा हो जाएगा सो डिमांड कर ये ब्लैक से रेड वन हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ई पर हो जाएगा और आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है उसमें इजाफा हो जाएगा तो आज हमने ये समझने की कोशिश की कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटर्मन होता है और उसमें जो चेंजेज़ आती हैं वो किन वजूहत की पर बिना पर आती हैं तो वही सिम्पल एक डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है कि एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन होता है उसके इंटरसेक्शन से डिटरमिन होता है डिमांड कहाँ से पैदा होती है हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी करेंसी की डिमांड पैदा करती हैं और हमारी इम्पोर्ट्स जो है उसके नतीजे में उसकी सप्लाई पैदा होती है तो अगर हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड में इजाफा होगा तो दिस विल लीड एंड एप्रीसी इन आवर एक्सचेंज रेट एंड वाइस फर ओके थैंक यू